Hey guys, on the way to airport और as usual हम लोग लेट हैं और देखते हैं कि आज किस्मत कितनी साथ देती है, क्योंकि आज काका गाड़ी चला रहे हैं। काका को हमने बोला है कि जल्दी पहुँचाना है हमें उधर एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे कुछ पहचाना है तो बोल के रखा है, बट होपफुली अगर फ्लाइट लेट होता है तो मिल जाएगा, बट शायद नहीं होगा तो भी मिल जाएगा ऐसा लग रहा है। सो लेट्स सी कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली और जयपुर का मेरा टूर है इस बार, दो तीन अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे। सो लेट्स सी स्टार्टिंग कैसा होता है। थर्टी डिग्री इंक्लिनेशन। सो जिम में रेकी भी आप रेकी कर सकते तो गाइस 3 बजे जर्नी स्टार्ट हो गया हमारा पुणे से दिल्ली का। फ्लाइट था मेरा 4:20 को और हम लोग घर से निकले थे गाइस 2:50 को, और मेरे घर से एयरपोर्ट है अराउंड 25 किलोमीटर। वहाँ पे हम लोग पहुँचे 4 बजे एंड बिकॉज ऑफ बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग के डायरेक्ट कुछ बेनिफिट ज़्यादा ही नहीं, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, जो रिस्पेक्ट आपको मिलता है बिकॉज ऑफ दैट। मेरे लास्ट मोमेंट पे भी मुझे फ्लाइट्स मिले हैं, हालांकि मैं अब तक 19 फ्लाइट मिस कर चुका हूँ, वो भी बिकॉज जहाँ पे लोग हमें पहचानते नहीं थे वहाँ पे, मोस्टली दिल्ली में। बट पुणे मुंबई आई नेवर मिस द फ्लाइट। एक मैंने चाइना में छूटा था और एक कंट्री में छूटा था। बट 3 बजे की जर्नी हमारी ख़त्म हो गई थी लोकेशन पर अराउंड 8:30 बजे। बाद में एक मीटिंग करके 10:30 बजे जिम में आया हूँ, क्योंकि यहाँ आने के लिए सब भागदौड़ चल रही थी। आपने मेरा सुबह ये भी देखा रहेगा रील कि भागम भाग चल रही थी मेरी टिल द एंड, और अभी मेरी भागम भाग ख़त्म हो गई है क्योंकि वर्कआउट इज डन, दिस कंप्लीट। अकाओ का एक छोटा सा शोरूम है, गोडाउन है, आई थिंक 25% रेस्ट थिंग्स आर एट डिफरेंट लोकेशन। सो कल यहाँ पे मेरा ये चल रहा है प्लान कि आपके बजट में मैं आपको जिम बना के दे रहा हूँ कंप्लीट पैकेज। सो उसके लिए मैं आपको सारा सेटअप लगा के दिखाऊंगा कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी एज इट इज़, दिखाने का और देने का अलग नहीं, क्योंकि इसके पीछे मेरा गुडविल लगता है हमेशा। सो यू ट्रस्ट मी, आपको मेरा मुझे आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है। सो यहाँ पर बताऊँगा मैं कि
आपके बजट में आप आपका जिम कैसे बना सकते हो विद इन 10 to 15 lakhs। अगर विदाउट कार्डियो लगाना है आपको तो विद इन 10-12 lakhs यू कैन सेट अप अ वेरी गुड बिग जिम। आपको जस्ट मुझे प्लेस देनी है अराउंड 2500-3000 square feet की और मैं आपको बजट दूंगा कि अब मुझे बजट देंगे इसमें मुझे बचा बिठाना है जिम एंड आई विल मेक दैट फॉर यू विथ अका गेट रेडी फॉर दैट एंड इट विल बी कंटिन्यूड। व्लॉग पूरा बनेगा तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बट दिस वॉज पार्ट जो अलग था कल बनने वाला है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है और इसका आगे का जो है सेटअप कैसे लगेगा कैसा दिखेगा जिम ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। गुड नाइट। गाइस ये अराउंड तीसरा दिन है हमारा, हम लोग शूट कर रहे हैं इक्विपमेंट्स का अकाउ और पूरे आज ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे आगे के प्लान डिसाइड होंगे कि आगे क्या करना है। बट शायद दो ही प्लान्स है, एक तो जयपुर जाऊंगा मैं और मीटिंग, अदरवाइज दो दिन मुझे दिल्ली में रहना है। लेट्स सी, दिल्ली में कुछ काम रहेंगे हम लोग तो दिल्ली में करेंगे, अदरवाइज रेस्ट फॉर 2 days और कुछ दोस्तों को मिलेंगे। तो 3 दिन बहुत अच्छे गए, 2 साल का शूट हुआ नहीं था हमारा बट आज ये लास्ट 3 दिन में बहुत सारा शूट किया है। सो इसके पोस्टिंग भी मिलते रहेंगे आपको, व्हाट्स न्यू इन अकाओ और मैं और क्या नई चीज़ें कर रहा हूँ। क्लोथिंग ब्रांड का प्लान चल रहा है, सप्लीमेंट ब्रांड का प्लान चल रहा है। सो लेट्स सी, यू हैव टू कीप गोइंग। रास्ते में कितने लोग छूटते हैं, हर एक का विजन अलग रहता है। माई विजन इज फिक्स एंड आई विल कीप गोइंग। एंजॉय। सो गाइज अभी चेकआउट कर रहा हूँ, हम लोग गुड़गांव में हैं और 2 दिन गुड़गांव में थे, 15, 16, 17, 3 दिन। तो अभी 2 दिन का तो काम हो गया था, अभी आज का एक प्लान बड़ा है। हम लोग इस जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ बड़े अनाउंसमेंट का फिर से प्लानिंग है, जो पिछले कुछ चीज़ें रह गई थी इम्प्रूव करके कुछ बड़ा चीज़ बढ़िया अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज 17 तारीख है और कल 18 को एक जिम का इनाग्रेशन भी है। सो इनाग्रेशन था मेरा 18 को, लेकिन मैं आया हूँ दिल्ली में अराउंड 11 तारीख को। सो 11 से 17 के बीच बहुत सारे काम हो गए हमारे और वो क्या क्या काम थे उसके लिए आपको ट्यून रहना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि व्हाट्स माई नेक्स्ट प्लान। सो नाउ टाइम टू गो टू दिल्ली। जमुना पार जा रहे थे पर हम लोग फर्स्ट टाइम जमुना पार है अपना जिम का इनोग्रेशन। सो गाइस लेट्स सी यू देयर।
ढाबा में, और पिक्चर देखते सारे ये भाई सब मेरे तरफ देख रहे खाना अच्छा था, तो बहुत अच्छा खाना हुआ और वेज खाना आज कल मुझे बहुत पसंद आ रहा है और शायद मैं वेज भी बन जाऊँ, वेज नॉन वेज ऐसे इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट आजकल वेज खाना खाना थोड़ा पसंद आ रहा है, ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा हूँ तो लगता नहीं कि नीड है नॉन वेज खाने की, तो कॉम्पिटिशन में खाता था बिकॉज उस टाइम भी नीड थी मुझे, तो फिलहाल तो एन्जॉइंग वेज फूड। हम लोग इधर झज्जर के साइड पे है, हरियाणा या पंजाब रोड वगैरह सोनीपत रोड पे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर दिख रहा है मुझे, शायद 50 साल पहले का रहेगा, 50-60 साल पहले का, नाम भी अच्छा है यहाँ पे चेक कर सकते हो, बट बड़ा बहुत ही ह्यूज ट्रैक्टर है, द बिगर एंड द बेस्ट। सो गाइस यू कैन सी दिस ट्रैक्टर जो हाईवे पंजाब के ऊपर बसंत हवा आप विजिट कीजिए, गो टू दैट। क्या करूं मैं, मर जाऊं? कंट्रोल उदय। वेलकम सर, वेलकम। कैसे है सर? आइए सर, आइए, आप ही का ही वेट हो रहा है। एवर ताली बजा दो। सर को दिखाओ भाई क्या क्या आर्टिकल है आज सर के लिए। क्या दिखाओ? आज आप दिखाएंगे मिलेंगे। अच्छा दिखाओ भाई, टी शर्ट्स दिखाओ, बढ़िया बढ़िया जैकेट। ये दिखाओ, राउंड नेक चलेगा ना? ये देखिए, ये देखो, आप इम्पोर्टेड दिखाओ ना, कोई इम्पोर्टेड समझ आएगा। सर बहुत प्यारा पीस है, बहुत प्यारा है, ये टी शर्ट पहनने के बाद सर ग्रेस आप पे नहीं आएगी, टी शर्ट पे ग्रेस बढ़ जाएगी। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे कपड़े सर आप पहन रहे हैं। बहुत प्यारा फैब्रिक है, ये देखो फैब्रिक देखो इसका, 100% इम्पोर्टेड। बॉडी बिल्डर के लिए प्रॉब्लम होता है, हाँ, पहनने के बाद मोटा दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसमें बॉडी बिल्डर दिखना चाहिए लेकिन मोटा दिखना नहीं चाहिए। ये फैब्रिक ऐसा है कि इसमें प्रॉपर कटिंग भी दिखेगी आपको। ये चाहे तो इसको हाफ भी कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग फॉर यू 100% ओरिजिनल के अंदर, ये देखो ये आपके जिम वेयर्स में बहुत एवरी टाइम रेगुलर वेयर में 12 महीने चलने वाली चीज है, 100% ओरिजिनल। वो डेनिम्स दिखाओ जो आई अभी नहीं करी जरा, ये देखो सरजीत का, ये देखो ये थाईज में प्रॉब्लम भी नहीं करी बिल्कुल शेप, जैसे सर आप लोगों की थाईज एकदम हैवी है, हमारी तो पतली रहती है। फुल स्ट्रेच फुल रेक्रा, ये देखो This is also original. अभी आज अभी का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, ट्रेंड चल रहा है, ये देखो प्रॉपर विद ब्रांडिंग, ये देखो विद प्रॉपर ब्रांडिंग, ग्रेट। अब ये देखो ये रेगुलर फिट में आ गया। बैक यहाँ पे आना है तो मतलब ये सब लेके जाना पड़ेगा सर, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा सर आपको, मिल गया तो मतलब पूरी दुनिया में मिल गया। सर से लेके नीचे शूज की सॉक्स तक सब मिलेगा, शूज भी मिलेंगे, कैप भी मिलेगा, फिनिशिंग ये लेदर का पैच हो रखा है, ये लेदर का पैच है, ये डिफरेंट वर्क भी और मगर सिंपल सॉबर भी है एंड समथिंग यूनिक भी है कि जो हर नॉर्मल जींस में नहीं होगा। और भी सर उधर माल आया होगा, और भी ये देखो ये रोल्स है, ये देखो ये आपके मतलब की जैकेट्स,
ये जो वरुण धवन टाइप पहनते हैं वो ये मिलते नहीं है। हाँ, ये इसीलिए मिलेंगे नहीं आप। सुकेत, अगर आप ट्रेंड्स में आते हो ना, यहाँ पे आपका एंड कभी नहीं होता, यहाँ पे शॉपिंग का एंड इम्पॉसिबल है। सो अगर आपके पास उतना पावर है लेके जाने के लिए, सब ताकत होनी चाहिए, ताकत आपसे ज़्यादा किसकी बात है। सो कम हियर एंड सेलेक्ट योर ट्रेंड्स, एंजॉय ट्रेंड्स, नेवर एंड्स। तो गाइस, कल शॉपिंग के लिए गया था एक दोस्त के शॉप में, लेते समय तो कुछ पता नहीं चला, जब घर आए तो पता चला कि क्या क्या लिया है और क्या क्या दिया है। सो लेट्स चेक इट आउट, और कुछ अलग से बच्चों के जैसा करता हूँ कि शॉपिंग किस तरीके से होता है। और इसमें भी कुछ है, बड़े खोल नहीं सकता अभी, बहुत अच्छा खोल देता हूँ। ये लॉन्ड्री बैग चुराना पड़ा मुझे कपड़े रखने के लिए। क्या निकला क्या निकला, देखो इतना छोटा सा शॉपिंग हुआ है। और गाइस, ये है कुछ नए क्लोथ बिट्स ऑफ माय ब्रांड, जो नया ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ मैं, मेरा क्लोथिंग ब्रांड। जिधर दो क्लोथ, ये वो क्लोथ है क्लोथिंग ब्रांड के, तो ओनली फॉर बॉडी बिल्डिंग का क्लोथिंग निकल रही है, पूरे रेंज का नॉर्मल पीपल भी पहन सके। ये सब टी शर्ट्स के डिज़ाइंस है, एंड नंबर ऑफ डिज़ाइंस एंड क्लोथिंग इज लाइक दिस कंप्लीट स्ट्रेच, क्योंकि बॉडी बिल्डर की नीड रहती है स्ट्रेच के मटेरियल। सो इट विल बी फुल लाइक्रा, सो एनीबडी कैन वेयर दिस। तो थैंक यू सो मच, अभी पिकअप करने के लिए बैग लेना पड़ा मुझे। सो और एक बैग मेरे घर में और गैजेट सी, मेरे पास आधा घंटा है सिर्फ ये सब पैक करने के लिए। सी यू अगेन, एंजॉय एंजॉय। एक अपना यहाँ दिल्ली पुलिस का भी प्रोग्राम है, वो फर्स्ट था। तो यहाँ पे जो डीसीपी है वो मतलब मेरे रिलेटिव ही है, मेरी मतलब वाइफ के ब्रदर है। ओके तो कल वो हम इनविटेशन देने गए थे तो आपके बारे में
पोस्टर तो हमने लगा ही रखे, तो उनको पहले से ही पता था सारी चीजें। तो उनका दिल्ली पुलिस का कुछ प्रोग्राम है, 2 हफ्ते के अंदर उनका दिल्ली पुलिस का जिम तैयार हो रहा है। ओके, तो उसके लिए भी वो आपके लिए बोल रहे थे।
सिंह जो कि लीडर है फिटनेस जिम्स का, और यहाँ कृष्णा नगर में ग्रैंड ओपनिंग हो रही है। आप सामने देख रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में एक सेलिब्रिटी है और लोग इतने दीवाने हैं कि कृष्णा नगर की सड़कों पर भारी जाम आज देखने को मिला। वहां पर ना तो कारें थी और ना बाइक थी, सिर्फ और सिर्फ लोग जमा थे और फूलों की बारिश हुई। और आप देख रहे हैं संग्राम जी हमारे साथ में। संग्राम जी, क्या कुछ कहना डाली थी जो ये जिम आज ओपनिंग की जा रही है कृष्णा नगर? एक्चुअली मैं सबसे बहुत ज्यादा शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग जो मुझे प्यार करके मेरे मुझे मिलने यहाँ पे आए हैं। और उसका रीजन है कि मिजोरम आप जिम यहाँ पे खोल रहे हैं, क्योंकि फिटनेस यहाँ पे वहाँ पे मैं हमेशा रहता हूँ। इस जिम को ओपनिंग मेरे से वही मेरी बहुत बड़ी मतलब आई एम लकी टू हैव दिस चांस। बहुत ही हैप्पीनेस आ रहा है, बहुत ही जॉयफुल लग रहा है और पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, क्योंकि ये 3 फ्लोर का जिम है और इतने सारे लोगों ने यहाँ पे जस्ट मुझे देखने के लिए इतने इतना क्राउड किया है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में जिम में भी इतना ही क्राउड होगा और जिस इंटेंशन से जिम खोला है उनका इंटेंशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशन है कि अपने एरिया से स्टार्ट करें फिटनेस और पूरे इंडिया को फिट करें। तो फिट इंडिया मिशन में मैं स्टार्टिंग से हूँ और जहाँ पे भी ऐसे जिम की ओपनिंग होती है वहाँ पे मैं बहुत ही मन से जाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम बट जो ओनर्स है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है, इससे मुझे इनके लिए आना पड़ा और अभी बहुत ही हैप्पी फील कर रहा हूँ। गुरु मंत्र ये रहेगा कि आपको पहले जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बॉडी बनाने तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और वर्कआउट करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी जिम की जरूरत रहती है। तो मिजोरम मास आपका अगर मास बढ़ाना है तो आपको दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जो आपके एरिया में इतना बड़ा खुला है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको 3 ही चीजें करनी है, वर्कआउट करना है, अच्छा खाना खाना है और अच्छी रेस्ट लेनी है। तो खाना आपके हाथ में है, रेस्ट आपके हाथ में है, अच्छा जिम हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मिजोरम आप जिम ज्वाइन कीजिए और आपका फिटनेस बनाइए। सर, ये उम्र की अगर युवा की बात करें, युवाओं के लिए ही नहीं लड़कियों के लिए और गर्ल्स खासतौर पर, गर्ल पावर तो है और काफी लोग ऐसे हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ जिम वर्कआउट है, डांस भी है और तमाम ऐसी चीजें हैं इस वर्कशॉप में। क्या कुछ कहेंगे उस पर आप? देखिए, फिटनेस है सिर्फ वर्कआउट नहीं रहता नहीं, यानी जिसके मसल बढ़े वो फिट है, ऐसा भी कुछ रहता नहीं है। फिटनेस यानी आपकी हर वो चीज़ जो आप बिना थकावट कर सके। आपको भागना आना चाहिए, आपको चलना आना चाहिए, आपको इमीजिएट बैठना आना चाहिए, इमीजिएट उठना आना चाहिए। डांस तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी फीमेल्स रहती है जिनकी शादी हो गई है, कॉलेज के टाइम भी उनको चांस मिला रहता नहीं है कि कुछ फैशन इवेंट्स करें। यानी डांस की बहुत ज़्यादा लोगों को पैशन रहती है लेकिन वो चांस मिलता नहीं उनको। तो जिम ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप सब सेम एज की लड़कियां या फिर सेम एज की वुमेन्स और आपसे बड़े और छोटे इन सब में एक साथ मिलके बहुत सारे एक्टिव झुम्बा रहता है, डांस क्लासेस है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप मन से कर सकते हो। और उस वो करते करते यानी डांस करना सबको पसंद है बट वो ओपनली नहीं कर सकते बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन रहती है। बट जिम में अगर आप डांस करोगे तो डांस इज पार्ट ऑफ फिटनेस, तो डांस करते करते एंजॉय करते करते भी आप फिट बन सकते हो। तो इसलिए जिम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संग्राम जी, यहाँ का हाईलाइट क्या लगा, यहाँ पर आप आए जिम घूमेंगे, कैसा यहाँ हाईलाइट क्या दिख रहा है? यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों का प्यार, क्योंकि अब तक तो उतना ही दिख रहा है मुझे। और अपने शरीर को सुधारिए और उसको फैलाव करिए। मैं आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी। डाली जी भी है, ऑनर है यहाँ के, डाली जी क्या कहेंगे युवाओं को खासतौर पर? युवाओं की जो इंस्पिरेशन है, संग्राम भाई आ चुके हैं और सब में बहुत उत्साह है, जोश है, तो सारे बहुत खुश हैं जिम ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन भाई को।